आपसे जान पहचान रखता था या कभी बीच में आपकी बात होती थी? नहीं सर, मेरी नहीं कोई रही जान पहचान। हाँ, मनकीरत यूनिवर्सिटी टाइम में जरूर मिलता मुलता रहता था। उस टाइम ना वो सिंगर था, वो भी पढ़ता था 11 वाले को गवर्नमेंट कॉलेज में, और मैं यूनिवर्सिटी होता था विक्की भाई के साथ, तो वहां पढ़ते थे उस टाइम तो। और उस टाइम वो भी सिंगर सुंगर नहीं था कुछ। आपके गुंडा बनने के बाद उसकी कभी आपसे बात नहीं हुई? गुंडा सर मैं अभी तक बना ही नहीं। गुंडा जैसे सर जिस दिन सलमान खान मार दिया उस दिन बनेंगे। आप क्या समझते हो अपने आप को, हो क्या आप? अभी तक स्टूडेंट ही समझता हूँ। स्टूडेंट लाइफ, हॉस्टल में था, हॉस्टल से सीधा जेल ही आया हूँ, अभी तक घर नहीं गया। ठीक है, स्टूडेंट ही समझता हूँ अपने आप को सर। अभी तक सीख ही रहा हूँ जिंदगी, जिंदगी से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही सीख रहा हूँ सर। कभी पर्सनली मिलेंगे तो आपको भी सिखाऊंगा जी। गोल्डी ने अभी जो पोस्ट डाला था, आप उसको भाई बोलते हो अपना, उसने ये जो गोइंदवाल जेल में मर्डर हुए हैं उसके बाद उसने पोस्ट ये डाला था कि जो भी ड्रग्स बेचेगा, जग्गू ये काम करता है, इसके लोग ये काम करते हैं, आप पंजाब में जो भी ड्रग्स बेचेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, ये वो, ये पुलिस वाला काम गैंगस्टरों और गुंडों ने कब से संभाल लिया? नहीं सर, ये कोशिश करेंगे ड्रग्स वाले काम के पे जितना हमसे योगदान हुआ देंगे। अभी तक क्या है कि सर जग्गू मतलब किसी ना किसी तरीके हमसे जुड़ा हुआ था, तो हम भी इसी बदनामी को झेल रहे थे, पर अब नहीं झेलेंगे। तो ये आप अमृतपाल को कॉपी तो नहीं कर रहे हैं? आजकल पंजाब में भी अमृतपाल कह रहा है कि मैंने नशा छुड़ाना है, तो मुझे लगता है गैंगस्टरों की भी आत्मा जागी होगी। मैं बताता हूँ सर, किसी शहर में जैसे किसी की सुनहरे की दुकान होती है, किसी की लोहारे की, उसकी खुद की दुकान है जी, हमारी खुद की है। वो अपनी चला रहा है, हम अपनी चला रहे हैं। काहे की दुकान है उनकी? दुकान कल और क्या कर रहा है जब बताओ, मुद्दा किस चीज पे है? वो ऐसे रोड़ा डालता घूम रहा है दुनिया में, कोई युगांडा में रह रहा, कोई कौन सा मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं, कोई बात नहीं है। रोज ही ऐसे वो तो अमृतपाल को तो ये चाहिए कि पंजाब की जगह खालिस्तान होना चाहिए। सर, हमारा गांव पड़ता है पंजाब में जी, हमारे जाटों के और बिश्नोइयों के 60 एक गांव हैं। मतलब हमारे गांव में है एक दो घर हैं, मतलब भाइयों के, है ना। हमने तो कभी उनसे कभी ऐसा मुद्दा सुना नहीं, और हमारे पंजाब में ही पढ़ते हैं। हमें तो कभी इस चक्कर में किसी ने आज तक कोई ऐसा मुद्दा हो नहीं। इसने आके ये हाइप जरूर क्रिएट कर दी है कि सोशल मीडिया पे, बाकी जेल में हूँ, मैंने ना कभी जेल में मुद्दा सुना। और ये हमारे साथ आपको कि त्याड़ त्यूड़ में, ये वैसे तो ये स्टंटबाजी कर रही है, कहीं हमारे साथ बैडमिंटन खेलता मिल जाएगा आपको, वॉलीबॉल खेलता हमारे साथ रहे हैं सर। ये मतलब बब्बा वारा रहा है, बब्बा राजवाना रहा है, सारे रहे हैं। मैंने उनके मुंह मुंह से नहीं सुना जी मुद्दा कभी। उनके साथ बातचीत होती थी आपकी, जगतार हवारा वगैरह से? हाँ सर, वहां त्याड़ में इकट्ठे थे जी, यहाँ पटियाला जेल में मैं, ये बबरा जोड़े थे उनके साथ थे, तो कभी उन्होंने कभी ऐसी बात की नहीं। मेरा और गोल्डी का सर बचपन के दोस्त हैं बिल्कुल, बहुत मतलब भाइयों जैसा प्यार है ना। कभी कोई बात ही नहीं, कोई ये हाइप क्रिएट कर रहा है कि ये हो जाएगा। हमारा गाँव पंजाब में पड़ता है कि 1 इंच ही खिसका दे कहीं, तो वो और तो बात और छोटे बिना ही मतलब की नहीं है। जिससे मुद्दा है जी, जिससे लड़ाई है, ये भर्ती खोल ले, जिससे लड़ाई लड़ ले। गैंगस्टर्स की भी अच्छी खासी सेटिंग होती है, क्योंकि अंदर सुविधाएं मिलना, प्लस आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना सेटिंग के आप इतना एंजॉय तो नहीं कर सकते जेलों में। नहीं 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 सर, ऐसी कुछ नहीं है। तो वैसे छुप छुपा के चीजें चल जाती हैं जी, जैसे इसका बार चल रही है, ऐसे हमारे भी अंदर छुप छुपा के चल जाती हैं जी। मोबाइल फोन है आपके पास, ये पकड़े जाने का डर नहीं लगता? ये सुनते नहीं? अब आप जेल से बात कर रहे हैं तो सुन नहीं रहा कोई आप इतनी देर से बात कर रहे हैं मेरे से? गजब का काम है आपका, मैं तो बड़ा हैरान हूं। अभी तो सर गार्ड आई नहीं, अब रात का टाइम है तो इसलिए कर रहा हूँ सर, कोई है नहीं यहाँ पे। फोन कैसे आ जाता है अंदर? बाकी साथियों के पास भी है आपके सबके पास फोन ना? नहीं, फोन सर दीवार के ऊपर से फेंकवा लेते हैं जी। तो ये कैसे पता लगता है बाहर से कि फेंकेंगे तो आप ही के पास गिरेगा? वो जेल में जो वार्डर वगैरह होते हैं उनको क्यों नहीं पता चलता? नहीं, पता चल जाता तो पकड़ लेते हैं सर, जेल वाले भी पता कार्रवाई नहीं होती आपके खिलाफ? लग जाए तो पकड़ ही लेते। सर्चिंग भी होती है जी, सारा कुछ ही होता है यहाँ पर जैसे आप बात कर रहे हो ऐसे लग नहीं रहा कि कुछ होता है वहां। सर। आप गुड लक है ना, आज मेरे, आज कोई आ ही नहीं रहा जी यहाँ पे। दीपक टीनू तुम्हारा साथी था, वो पंजाब पुलिस की कस्टडी से CIA इंचार्ज के घर से भागा, तो आप कैसे कह रहे हो कि सेटिंग नहीं होती है आप लोगों की? उसकी होगी सर, मेरी नहीं हुई कभी। एक पैर आपको बिना पूछे नहीं उठा के रखता, वो चेला नंबर वन आपका है, और जेल से वो जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था तब भी आपसे बातें और सारा एग्जीक्यूशन वो ही कर रहा था। इस बार उसने बिना पूछे रख लिया, नहीं तो मैं साथ ही चला जाता, मेरे से पूछ के जाता था जी। नहीं, आप तो जाना ही नहीं चाहते ना, आप तो अंदर ही रहना चाहते हो, आपको तो अंदर दिक्कत ही कोई नहीं है।